नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज GSSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट्स में मैं एक बहुत ही अच्छे नजरिए की बात करूंगा। GSSB में क्या हो रहा है उसकी बात करूंगा और कुछ अच्छी नियुक्तियां क्या हैं आपके लिए उनकी बात करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस दुनिया में नेगेटिव लोगों की भरमार है। कितना अच्छा कार्य आप कर लीजिए, कितनी अच्छी बात उनके पक्ष में बोल लीजिए, लेकिन उनको नेगेटिव बात ही बोलनी है क्योंकि ये उनकी हैबिट है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसी के ऊपर एक बेस में छोटी सी एक लघु कथा है, उसको आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक बंदे ने एक ऐसा डॉग खरीदा कि वो पानी के ऊपर चल सकता था। इस कहानी को अच्छी तरह देखना, इसमें बहुत डीप बात छिपी हुई है। तो उसने सोचा कि यार मैं ऐसा प्रदर्शन करूं तो अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, सब उसको अच्छा बोलेंगे। तो उसने यह कार्य दिखाने के लिए अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को इनवाइट किया सुबह सुबह। तो चलो आज बर्ड्स का शिकार करते हैं और लेकर आते हैं। तो वो दोनों चले गए। तो उसने वहां पर बर्ड्स को मारा बंदूक से, जो बुगले होते हैं पानी में जो रहते हैं उनको मारा, और कुत्ते को बोला जब पकड़ के ला। तो वो डॉगी पानी पे चल के उनको लेकर आ गया। तो जो उसका दोस्त था उसने कुछ नहीं बोला। तो उसका बड़ा अजीब लगा, यार इसने कुछ बोला नहीं। फिर घर जाकर वो उससे पूछता है कि आपको मेरे डॉगी में कुछ अलग दिखाई दिया? तो उसके दोस्त का जवाब क्या था? यस, आपका जो डॉगी है वो तैर नहीं सकता, कांट स्विम। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कितनी अच्छी चीज रख दें, आपको उसमें कमी निकालनी ही निकालनी है। तो यही बात होती है कि कोई कितना भी अच्छा कार्य कर ले, कितना ही सपोर्ट में आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कुछ बंदों को उसमें कमी निकालनी ही निकालनी है। तो यही हाल हो रहा है अब GSSB में। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी बच्चे का अहित करें, लेकिन फिर भी उंगली हम पर उठाई जाती है। हम पे बोलना नहीं आता, हिंदी तो क्या, इंग्लिश तो क्या, हम हिंदी में नहीं बोल सकते। बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स हैं जिनको सुनकर भी हंसी आती है, परंतु फिर भी हम खुश हैं क्योंकि जो वो बोल रहे हैं कम से कम सुन तो रहे हैं। कभी तो उनके दिमाग में आएगा कि हम सही कह रहे हैं। जब तक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, नेगेटिव रहेगा, तो ऐसी ही घटना घटित होती रहेंगी। कल GSSB ने फिर एक रिजल्ट आउट किया था मैथमेटिक्स का मेल, और इसके अलावा कोई और घटना घटित नहीं हुई। आज बच्चे CM साहब के पास जा रहे हैं 9 बजे करीब। ये होगा क्या उसका कंक्लूजन निकलता है, वो शाम को पता चलेगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। देखो एक और कहानी है इस एटीट्यूड की। एक बंदे ने एक पेंटिंग को रख दिया और बोला कि इसमें जो कमी है वहां निशान लगा दीजिए। तो वो पेंटिंग पूरी की पूरी भर गई। नेक्स्ट डे उसने बोला कि इसमें जो कमी है उसको पूरा कर दीजिए, एक भी जगह एक निशान नहीं आया। तो ये सब क्या है? लोगों के पास में सॉल्यूशन नहीं है, केवल मीन में निकालना आता है।
चलो खैर समझेंगे, कभी तो समझेंगे। हमारा जो मोटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई कितना भी कुछ कहे, हमारे लिए वो सबसे प्रिय हैं जो हमें गलत देते हैं। देते रहिए, एक्सेप्ट इट। शर्माते हैं उनके, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं। ठीक है, तो एक परिवार में हर तरह के बच्चे होते हैं, सभी एक से नहीं होते हैं। जो थोड़े नोटी होते हैं उनको भी गले से लगाना पड़ता है। चलिए, सभी का अभिनंदन जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके जॉब की। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, एम्स भोपाल में 231 पदों पर भर्तियां हैं। ठीक है, और इनमें प्रोग्रामर, फार्मासिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड एटसेट्रा। ठीक है, कुल 231 पद हैं। योग्यता है पदों के अनुसार 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएट, डिप्लोमा फार्मेसी, MLT, BE, BTEC होना चाहिए। आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा है इसमें, 1000 रुपी। SC ST दिव्यांगों महिलाओं को कोई शुल्क देय नहीं है। आयु सीमा 27 और 40 वर्ष तक। चयन प्रक्रिया योग उम्मीदवार का चयन लिखित मौखिक स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डाक से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2019। और इसकी वेबसाइट है, जो लिंक आप मांगते हैं वो है www.aimsbhopal.edu.in www.aimsbhopal.edu.in। अब बात करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 60 पद रिक्त हैं। ठीक है, उनमें क्लर्क के पद हैं स्टेनोग्राफर और अपर डिविजन क्लर्क। 60 पदों की नियुक्ति होगी इनमें। योग्यता पदों के अनुसार 10वीं के साथ शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती हो अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट डिग्री हो। आयु सीमा अधिकतम 27 वर्ष। आवेदन शुल्क 100 रुपये। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 फरवरी 2019। वेबसाइट recruit.bark.gov.in। चलिए अभी मेरे पास इतना ही, फिर हाजिर होंगे कोई अच्छी खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।